这个铃铃的滴滴答，滴滴答答答答。नमस्कार, मैं फिर आप सब के सामने उपस्थित हो गई हूँ। आज मेरे साथ है मेरी अति प्रिय किरण जी, जो हम लोग एक साथ बहुत सालों से, हम कितने साल से एक दूसरे को जानते हैं, 10-15 साल तो हो गए, मतलब ऐसे गिने नहीं कभी। और प्यार, और एक बार मन मिल जाता है ना तो फिर ये दिन साल ये मिलते रहते हैं। बस साल में एक बार मिलते हैं, लेकिन मन से मिलते हैं। मन से तो रोज ही मिलते हैं, तो कोई मतलब नहीं होता है। तो ये किरण भार्गव जी है, जो एक्चुअली अभी आप उनको देख रहे हो ना, शी इज एन एक्टर। तो अभी एक सीरियल में काम कर रही है किरण दीदी, और ये जो गेटअप है वो सीरियल का गेटअप है, राइट। तो आज हम दोनों, जैसे परंपरा के अंतर्गत आप लोगों को पता है कि हम अपने गुरु को लेके बात करते हैं, तो किरण दीदी एक ऐसी कथक कलाकार है जो महाराज जी के पास दिल्ली में रह के काफी साल उनसे सीखे हैं, और बहुत करीब से हमारे जो जिनको हम भगवान मानते हैं उनको बहुत करीब से कुछ लोगों ने ऐसे देख पाए, जिनमें से एक है किरण जी। तो मैं चाहती हूँ किरण जी, आप थोड़ा सा बताइए, आप कब से सीख रहे हो महाराज जी को, किस तरह से आप देखते हो? और मैं महाराज जी के पास जब आई थी तो 18 साल की थी, 1976 में आई थी। नहीं जानती थी कि मैं किसके पास सीखने जा रही हूँ, सच में नहीं जानती थी। पिताजी लेके गए दिल्ली, वहां जाके इंटरव्यू करवाया, एडमिशन दिलाया, और उस इंटरव्यू के लिए भी महाराज जी ने सिखाया। बड़ी बात देखिए, सबसे बड़ी बात कि उस इंटरव्यू में जब महाराज जी ने मुझे देखा कि ये इंटरव्यू ये देने वाली है, उसके लिए उन्होंने मुझे सिखाया कि नहीं, ये वाली चीज करो, ये वाली चीज करो। जो उन्होंने सिखाया, जैसे गुरु जी वहां सिखाते थे, हमने उनसे सीखा और सीख के कर दिया। एडमिशन हो गया कथक केंद्र में, स्कॉलरशिप मिल गया। बहुत बड़ी बात थी उन दिनों स्कॉलरशिप मिल जाना, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए सीखने के साथ साथ भत्ता भी मिले, जिसके लिए पिताजी को किसी कुछ खर्चा ना करना पड़े। हॉस्टल मिल गया, क्योंकि कथक केंद्र हमारा दिल्ली में कथक केंद्र था, बहावलपुर हाउस में, उसी में हॉस्टल था, वहीं रहो सीखो, मीन्स गुरुकुल, एक तरह से वो गुरुकुल की शिक्षा थी। पहुंच गए, अब जब सीखने लगे धीरे धीरे करके, तब समझ में आने लगा कि हम किस हस्ती के पास हैं। जब उनके प्रोग्राम दे, उसके पहले महाराज जी का कोई प्रोग्राम नहीं देखा था, उसके बाद तो ऐसे भाग्य खुले कि महाराज जी के प्रोग्राम्स भी देखने को मिले। और जब भी प्रोग्राम होते थे, महाराज जी के स्टूडेंट्स को वो जरूर ले जाते थे दिखाने के लिए, और मैं इतनी भाग्यवान रही कि उनके पास मेरे एडमिशन होते ही महाराज जी को एक शो मिला देवास का। मैं मध्य प्रदेश देवास से हूँ, और कुमार गंधर्व साहब ने ये प्रोग्राम अरेंज किया था, जिसके लिए महाराज जी ने एकदम से हाँ बोल दी कि हाँ, हमारी एक शागिर्द देवास की है तो हम आएंगे। और उस प्रोग्राम में महाराज जी मुझे अपने साथ लेके गए कि अपने मम्मी पापा से भी मिल लेगी, और वहां भी मतलब एक होता ना कि लोगों को पता चले कि वो कहाँ सीख रही है। मेरे लिए ये सब कुछ इतना बड़ा था, इतना विशाल था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, एकदम जैसे चांद सितारे जगमगा रहे थे। और उससे बड़ी भाग्य की बात कि वो ठहरे हमारे घर में। उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स को बोल दिया कि मैं तो अपने स्टूडेंट के घर में रहूंगा। अब वहां घर में रह के खाना बनवाना, खाना कि भाभी ये बना दो, तब महाराज जी मीठा बहुत खाते थे, उन्हें शुगर नहीं थी, तो मतलब इतने सरल, इतनी बड़ी हस्ती, मतलब नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट, और इतने सरल अपने स्टूडेंट्स के साथ में। तो मुझे इतना कंफर्टेबल किया उन्होंने शुरुआत में ही, कि मेरी सीखने की जो हिचक थी, जो एक बाउंड्रीज थी कि मैं डरती थी, वो सब खुल गई, और सीखना आराम से एक धारा प्रवाह शुरू हो गया और चलता रहा। और उनके सिखाने में जो बात थी कि वो एक एक अंग को, एक एक उंगली को ना, वो जब तक
आपका ऐसे ना चला जाए जैसे हम लोग करते हैं कि उत्पत्ति का पोज लगाना है, तो उत्पत्ति में कैसे यहाँ से पानी ढलना चाहिए, उत्पत्ति कहाँ होनी चाहिए, एक एक उंगली आपकी कितनी सॉफ्ट होनी चाहिए, वो इतना माइन्यूटली सिखाते थे कि बुद्धि हमारी छोटी थी, समझ नहीं आता था, पर ये शिक्षा शुरुआत में ही मिलने लगी, एकदम शुरुआत में मिलने लगी। और करते करते मतलब तीन साल जब गुजरे तो हमें समझ में आया कि महाराज जी एक्चुअली क्या सिखाना चाहते हैं। उस बीच में बहुत सारी चीजें हुई, उस बीच में बैलेंस में महाराज जी ने लेना शुरू कर दिया हमें, क्योंकि जो भी स्टूडेंट था कथक केंद्र में उसके लिए कंपल्सरी था कि वो बैलेंस में भी पार्ट ले। ऑब्वियसली स्कॉलरशिप दे रहे थे तो यूज तो करेंगे ही, और वो हमारे फायदे के लिए था कि हम सीखें। तो हम लोग बैठ के सीखते थे, कुछ ना भी होता था करने को तो हम सीनियर्स को देख देख के सीखते थे। और इतना अच्छा लगता था कभी कभार, जैसे कोई सीनियर बाय चांस छुट्टी पे चला जाए या बीमार हो जाए तो हमें बोला जाता था कि उठो और इनकी प्रॉक्सी करो। मतलब कि जितनी देर टाइम आप वहां बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व नहीं करना है, आपको वो सीख लेना है ताकि आपको पता नहीं कि कब आपको खड़ा कर दिया जाएगा। तो ऐसे प्रॉक्सी में हमने करीब करीब सारे ही रोल्स निभाए, और करते करते अभिनय क्षमता हमारी काफी अच्छी हो गई, मतलब अभिनय का नॉलेज भी आया, और शायद उसी की वजह से आज मैं इस लाइन में हूँ, एक्टिंग लाइन में हूँ, क्योंकि महाराज जी हमसे डायलॉग्स वगैरह भी बुलवाते थे पैलेस में, तो बीच बीच में जैसे कुछ किसी भी कैरेक्टर का कुछ होता था तो वो बुलवा देते कि तो आज तुम बोलोगे। और ये हमें नहीं, हर किसी को वो अपॉर्चुनिटी देते थे, हर किसी को, उन्होंने अपने हर स्टूडेंट को बराबर हैसियत दी, सब मतलब सबकी ग्रोथ में उन्होंने अपना योगदान दिया। स्ट्रिक्ट इतने थे आपको क्या बताएं, महाराज जी को जो आज के लोगों ने जाना है या देखा है, आज जो देखते हैं या 15 साल से जो देख रहे हैं, महाराज जी वो नहीं थे। वो मतलब इतने स्ट्रिक्ट थे कि अगर हमने हॉस्टल में है और अचानक से अगर हम लोग बाहर लॉन में भी आके बैठ गए तो महाराज जी कभी भी राउंड लगा लेते थे रात के 11 बजे। एक गाड़ी आधी दिखती थी हमको बाउंड्री के बाहर से, और पता लग जाता था कि ये महाराज जी हैं, और हम जो भागते थे ना डर के मरे, मतलब निकले तो कैसे निकले वहां से बाहर। 12 घंटे का रियाज था हमारा, तो मजाक बात नहीं होती है। एवरी टाइम जब वो एंटर करें हम लोग डांस करते हुए दिखने चाहिए, और हम लोग दिखते थे, हम लोग करते भी थे। उसका फायदा ये हुआ कि हम लोग विदिन 2-3 ईयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगे थे। फिर तो महाराज जी हर जगह लेके गए, मतलब देश विदेश जहां भी होता था वहां प्रोग्राम्स के लिए हम लोग उनके साथ जाते थे। पैलेस जब हमने किए उनके साथ, तो अब आप सोचें कि जितने भी पौराणिक हमारी कथाएं हैं वो सब उनके थ्रू जानी, ज्ञान उन्होंने जो दिया वो ज्ञान सिर्फ नृत्य का ही नहीं दिया, उन्होंने हमें पुराण सिखाए, उन्होंने हमें भाषा सिखाई, हिंदी हमारी बहुत अच्छी की, इस तरह हम बोलते हैं, हिंदी उर्दू हर चीज में भाषा का उन्होंने ध्यान रखा कि ऐसे नहीं बोलते हैं या नुक्ता लगाओ ये करो, मतलब क्योंकि वो खुद इतने अच्छी उर्दू बोलते थे, तो हम लोगों ने भाषा भी बहुत अच्छी सीखी। और ये जो आजकल ये जो चला है ना कि ईर्ष्या नहीं करना और ये नहीं करना और द्वेष नहीं करना और ये सारे के सारे जो आजकल वो चल पड़े हैं, ट्रेंड चल पड़ा है ना कि हमने ये ज्वाइन कर लिया है, मेडिटेशन ज्वाइन कर लिया है। मेडिटेशन तो उन्होंने हमको पहले ही सिखा दिया था, वो तो हम पहले से ही करते थे। महाराज जी तो कहते भी थे ना कि कथक सीखो तो जरूरत ही नहीं, योगा करो मेडिटेशन करो सब उसमें आ जाता है। पहली चीज उनकी ये थी कि जैसे अगर स्टूडेंट में हमारे कुछ हो गया कि अच्छा इसने ज्यादा अच्छा कर लिया या इसको ज्यादा अच्छा, वो अगर उनको दिख जाता था उस दिन के बाद से पाँव नीचे हो गए, मेरे नाराज हो जाते थे कि आपस में ये नहीं करना, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। सो मतलब उनके लिए था कि सबके ऊपर कला होना चाहिए, तुम कुछ नहीं हो उसके सामने। एक्चुअली इसी को शायद गुरु कहते हैं ना, आजकल ऐसे गुरु मिलना मुश्किल है। जिस तरह से आपने कहा कि आप नए नए आए थे,
पर उन्होंने आपको कंफर्टेबल किया, आपके मदर मतलब जहाँ आपसे आई हो, बिलोंग करती हो, वहाँ आपको इसलिए लेके गए, खाली ये दिखाने के लिए नहीं कि आप महाराज जी के पास सीख रहे हो, वहाँ के लोगों को ये दिखाने के लिए कि देखो आपकी बेटी क्या कर रही है। तो ये मतलब तो कहाँ आई और किस तरह से तैयार हो रही है और कितना अच्छा कला को प्रदर्शित कर रहे हैं। मेरे पेरेंट्स को कंफर्टेबल किया कि आप बेटी अगर दूर है आपकी तो आप चिंता ना करें, वो सही हाथों में है। गुरु इसे ही कहते हैं। आजकल जो होता है ना कि आप फीस लिए, एक घंटा क्लास कर लिए, उसके बाद चाहे आप कुछ भी करो, गुरु होता है, पूरा जीवन सिखाते हैं। गुरुकुल था, पूरा गुरुकुल था। मतलब उसी उसमें मैं ये बोलूंगी, जैसे द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य ने जब भी शिक्षा दी, उन्होंने सिर्फ राजकुमारों को या यू नो सब उन लोगों को शिक्षा दी अपर लेवल के। क्यों? क्योंकि उन्हें धन चाहिए था, उनसे अपने बेटे के लिए जो उन्होंने प्रण लिया था कि उसको आटे का दूध बना के पिलाया था, तो उनके बेटे के लिए मैं सब कुछ करना है, इसलिए उन्होंने सिर्फ उन लोगों को सिखाया, एकलव्य को नहीं सिखाया। नहीं सिखा। लेकिन महाराज जी ने कभी नहीं सोचा कि ये किस तबके का है, ये कहाँ का है, ये कहाँ की, ये बिरला की लड़की है, अच्छा इसको सिखा दो, अच्छा अच्छा ये टाटा के यहाँ से आया है, ओ इसको सिखा दो, ये कभी नहीं किया है, कभी नहीं किया। उन्होंने एक यहाँ से भी चौकीदार की बेटी भी उठाई, उन्होंने काम वाली की भी उठाई, उन्होंने हम जैसे मीडियोकर लोगों के यहाँ से भी बच्चे उठाए और सबको सिखा के एक ही लेवल पर चला गया। ये तो एक गुरु का काम होता है, उनके लिए सब एक जैसा। मैं तो एक बात बोलूं, गुरु नृत्य के भी आप साइड में रखिए, मैं बता रही हूँ, मेरे ड्राइवर था जो इलाहाबाद से था, तो महाराज जी मिले और फिर शुरू हुआ भैया अपना, उनका जो लैंग्वेज है, तो आप मानोगे नहीं, उनके साथ मेरे ड्राइवर के साथ महाराज जी इस तरह बात करने लगे, उसके बाद से मेरे ड्राइवर पूछता है गुरु जी आए क्या, तो मेरे पहले वो भागता था कि गुरु जी से मिलना है। तो हरेक के साथ तो जिस तरह से, अरे मेरे यहाँ मेरा कभी कभार मैं फोन करते रहते थे, तो मैं कभी फोन ना उठाऊं तो मेरा सर्वेंट फोन उठा लेता था, उससे भी डायरेक्ट, यही बात, उससे भी डायरेक्ट नमस्कार चमत्कार था, और भैया कैसे हो, मतलब उसको ये नहीं बोलते नौकर है, और भैया कैसे हो, हर कोई तो भैया हो जाता था, यही बात है। महाराज जी जैसे गुरु तो शायद मतलब होगा नहीं, वो शायद मतलब कभी भी उन्होंने जताया नहीं कि मैं कितनी बड़ी हस्ती, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पर एक्चुअल जो कलाकार होते हैं ना, उनको ये गुण होना बहुत जरूरी है, तभी तो देखो आज भी हम रो रहे हैं उनके लिए, और सालों जब तक हम जिंदा है, हमारे नेक्स्ट जो लोग उनके साथ पास आए, उनको देखे है, जैसे आप लोग तो बहुत करीब से देखे हो, फिर भी मैं मानूंगी मैं बहुत लकी हूँ कि पिछले 25 साल से मैं उनको देख रही हूँ, जितना हो सके सीखने का कोशिश भी कर रही हूँ। तो मैं ये मानती हूँ हमारा सौभाग्य है कि ऐसे गुरु के समय में हम पैदा हुए और मौका मिला, तो आप लोग तो सच में ही बहुत धन्य हो। आप लोग के पास तो जो एक दिन के लिए भी आया ना, सही, उन्होंने उसे अपनी आत्मा से जोड़ लिया, मतलब जो एक दिन भी मिला होगा ना बाय चांस, वो भी उनके लिए रो रहा, एकदम सही बात है। इवन मेरे बच्चे स्टूडेंट्स भी कभी मिलते थे, ना बेटा तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहती हो, क्या पर, मतलब बच्चे को लगता है वो हम तो दादाजी के पास आ गए, ऐसे होता था। इतने सर इतने तो, अब तो अभी इन दिनों तो इतने अच्छे, और उस दिनों जो स्ट्रिक्ट थे वो उन्होंने आवरण ओढ़ा हुआ था, सही थे बेसिकली, वो मजाकिया ही, पर हमारे लिए कितना फायदा किया उसने, जब महाराज जी हम लोग डरते थे, अभी हम लोग उनसे बोलते थे कि महाराज जी आप कितना डराते थे ना पहले, अभी आप कैसे बात करते हैं हमसे, हम आपसे कुछ भी बोलते हैं, अभी हम बन गए ना, वही बात है। तो अच्छा मैं एक पूछना चाहती हूँ किरण जी, कि महाराज जी का आपको पता, वो तो सब कुछ संपूर्ण कलाकार थे वो, पर फिर भी हमारा कला का अलग अलग एस्पेक्ट है, जैसे नृत्य है, अभिनय है, अंग है, तो आपको ऐसा लगता है कि महाराज जी का डेफिनेटली सब अच्छा है, मैं कंपेयर नहीं करना चाहती हूँ, पर आपको उसमें से कौन सा लगता है कि ये एकदम मैं बहुत अच्छी कर सकती हूँ और ये चीज को मैं उनसे बहुत अच्छे से ले सकती हूँ? अभिनय, यस अभिनय, और अब करते भी बहुत अच्छे हैं वो, मुझे मैंने भी देखा काफी बार, ग्रेसफुल अभिनय, यस वो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका, और ना बारीकियां जो अभिनय की बहुत पसंद है। और एक मुझे ऐसा लगता है महाराज जी बोलते भी थे कि बहुत ज्यादा स्पीड में एकदम दर पता ही नहीं चल रहा है कि आप कहां से कहां जा रहे हो, ऐसे नृत्य का मजा नहीं है, आनंद तो उसी में है, जो डांस नृत्य वही अच्छा है जिसमें आनंद मिले और आनंद दूसरे के पास पहुंचे, राइट। तो ये तो वो तो आपने फाइट कर दिया, कुश्ती लड़ दी, चक्कर लगा दिए, ये कर दिया, वो ठीक है, वो सब है, वो सब लोग करते हैं, थोड़ा सा स्टंट है, वो क्या बोलते हैं उसको, ऑडियंस को सर्कस है, पर वो भी
खूबसूरती से करे, ग्रेस से करे, तो वो भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, करते हैं लोग। लेकिन जैसे आपको भी है मुझे भी, हम लोग अभिनय थोड़ा पसंद करते हैं, ठहराव थोड़ा हमें अच्छा लगता है, और ये हम मानते भी एक बड़ा मुश्किल है फास्ट डांस करना। आप करके 50 चक्कर ले लेना और आप एक बार वो करना, ये तो है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। तो खैर ये तो महाराज जी की बात तो हम जितने करेंगे खत्म ही नहीं होगा। मैं चाहती हूँ एक कोई चीज जो आपने महाराज जी से सीखी है और आपका बहुत दिल के करीब है, अगर थोड़ा सा इधर बैठ के थोड़ा सा एक दो लाइन बताइए या एक बंदिश थोड़ा सा कुछ सुनाना चाहते हैं। देखो आप ये आजकल मैं वो करना चाह रही थी मधुराष्टकम, हाँ किया हुआ मैंने देखा है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम गमनम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम खुश हो गया, इतना अच्छा लगा, सही में बहुत 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 सुंदर, क्योंकि वो दिखता है महाराज जी का झलक जिस तरह से आप लोगों ने सीखा है। प्रैक्टिस में बिल्कुल नहीं है पर फिर भी, तो वही तो बात है, एक्चुअली यही बात है, कला एक ऐसी चीज है ना कि आप अगर एक समय उसके पीछे इतना समय अपने दे चुके आप, वो जाते आप चाहे छोड़ दे, वो आपको नहीं छोड़, वो आपको नहीं छोड़ती, क्योंकि यहाँ यहाँ अगर है ना तो शरीर कोई मैटर नहीं करता है, बात ये है ना। बहुत बहुत अच्छा। अच्छा आजकल के जो बच्चे कर रहे हैं, आज जिस तरह से कथक का जो दौर चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे और बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आजकल जो बच्चे कर रहे हैं वो ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब का हमारे पास टाइम है, जैसे क्योंकि आजकल वो टीचिंग तो रही नहीं जो हमें मिली थी, मतलब ये विद्या ऐसी है जो गुरुकुल में रह के ही प्राप्त हो सके, इसको समर्पण चाहिए। अब समर्पण आज के जमाने में नहीं हो सकता बिकॉज इतनी कॉम्पिटिशन है, इतनी फास्ट जिंदगी हो गई है, तो उसके उसमें बच्चे जो कर रहे हैं वो
फास्ट तो बहुत है मतलब, और जल्दी अचीव करना चाहते हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अचीव जरूर करें, लेकिन थोड़ा सहजता के साथ, थोड़ा सोच के साथ, थोड़ा अच्छा गुरु लें के पास जाएं, और इतना जल्दी ना मचाएं। इतना जल्दी ना मचाएं, क्योंकि ये चीज ही है कि जल्दी मचाने से होगा नहीं। क्योंकि वो जितनी क्या बोले सहजता से आप उसको आत्मसात करेंगे, वो उतना दिन आपके पास टिकेगी। क्योंकि क्या होगा कि अब जैसे आजकल जो गाने आते हैं, ये रैप वगैरह जो आते हैं, वो आते हैं चले जाते हैं, याद भी नहीं रहते हैं याद में, तो उस तरह की चीजें ना हो जाए। और आपने ये सीखा ये कि आप ज्यादातर आइटम नंबर ही हो रहे हैं, ज्यादातर लोग फिल्मी सॉन्ग्स पे कर लिया, तो उसमें क्या है कि रूदारी नहीं है, और नृत्य में रूदारी बहुत जरूरी है जिसमें आपकी आत्मा जुड़ जाए। अच्छा, मैं ये रूदारी वर्ड का मीनिंग क्या है? रूदारी मीन्स आत्मा से जुड़ाव। अच्छा, मैं पूछूं, मुझे भी नहीं मालूम, मुझे लगता है दर्शकों को भी अगर समझ में नहीं आए तो एक बार पूछूं। आत्मा से जुड़ाव, बहुत सुंदर शब्द है, मतलब भी बहुत सुंदर है, तो सबको पता होना चाहिए। थैंक यू कि मुझे भी आज पता चला ये वर्ड। अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और महाराज जी से बात करके, पर हम दोनों को, मुझे तो लगता है आपको भी लगता होगा कि महाराज जी हमारे साथ है, बिल्कुल हमारे पास है, हमारे दिल में तो है ही। तो ये जो सिलसिला मैंने शुरू किया, मैं चाहती हूँ कि महाराज जी को याद करके हम सब मिलके कुछ करते रहे, ऐसा नहीं कि एक ही शो करे और भूल जाओ, छोटा छोटा करो, पर वो सिलसिला जारी रहना चाहिए। और इसलिए मैंने ये शुरू किया परंपरा कि जो लोग महाराज जी के बहुत करीब है, जो लोग महाराज जी से बहुत प्यार करते हैं, ये थे या था ये वर्ड मैं यूज करना ही नहीं चाहती हूँ, महाराज जी के लिए और करते रहेंगे। हाँ, तो करते रहेंगे, तो इसलिए मैं तो एक मिनट दिल से नहीं जाते हैं। राइट, तो ये जो बात है, हम लोग मतलब पता नहीं जिस तरह से हम जुड़े हैं ऐसे जुड़े रहेंगे, कला के साथ रहेंगे, महाराज जी के साथ रहेंगे, और हम इतना ही उम्मीद करते हैं कि कला दिन पे दिन और उन्नति करे और ऊपर जाए। हाँ, जो लोग अब उनके रह गए हैं, उनके बच्चे, हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी दी हुई तालीम को जिंदा रखें, लोगों तक पहुंचाएं आगे बढ़ाए। और बाकी काफी लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, महाराज जी के अपने बच्चे बहुत खूबसूरत डांस कर रहे हैं, उनके मूर्तियां भी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो भगवान करे, भगवान उन्हें शक्ति दे कि वो महाराज जी की परंपरा को और आगे बढ़ाए और आगे ले जाए। एक चीज ना मैं मानती हूँ, आप भी मानते होंगे, मैं चाहती हूँ आप भी बोले ये बात को, मैं चाहती हूँ कि आप अगर महाराज जी से थोड़ा सा भी कुछ सीखे है, जैसे मैं बहुत कम सीखी हूँ, लेकिन वो चीज को उस तरह से ही प्रस्तुत करें। ऐसा नहीं कि महाराज जी का नाम लगा के मैं अपना कुछ भी गलत, जो लोग नॉर्मली करते हैं, तो मैं चाहती हूँ ये नहीं होना चाहिए। तो आपको भी ऐसे लगता है तो आप थोड़ा सा बता दीजिए, तो लगता है मुझे पता है, पर थोड़ा सा बता दीजिए कि ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं भी यही चाहूंगी कि महाराज जी ने जो तालीम जिस तरह से दी है, मतलब जो ऑथेंटिसिटी उस तालीम की है, उसे बरकरार रखें, उसे उसी तरह लोगों तक पहुंचाएं। थोड़ा बहुत हेर फेर चलता है, लेकिन उसकी खूबसूरती ना मिटाएं, अगेन रुदारी ना मिटाएं, उसका जो फाउंडेशन है वो रहे, नींव बने रहे उसके साथ आप अपना स्टाइल थोड़ा, वो तो आ ही जाता है। नींव अगर आपकी मजबूत रहेगी तो फिर आप शाखाएं कैसे भी फैला ले बुरी नहीं लगती, पर नींव मजबूत रहनी चाहिए। और वही नींव मजबूत तब रहेगी जब हमारी आगे की जनरेशन उसे उतनी ही सहजता से, उतने ही मन से सीखेगी। तो नींव मजबूत बनाए बस। बहुत अच्छा लगा किरण जी, मतलब आपसे बात करके ना, मुझे वो आपका जो फाउंडेशन महाराज जी ने सबके, आप जैसे सबके अंदर जो उन्होंने नींव तैयार करके गए, जिस कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे थे अबाउट महाराज जी, अबाउट कथक, अबाउट योर ट्रेनिंग, ये सच में लाजवाब है। मैं तो महाराज जी को कर्ण से भी बड़ा दानी माना। सही है, मतलब कर्ण ने तो अब जो था धन संपदा उसका दान किया, महाराज जी ने विद्या का दान किया, जो अनमोल है। और उन्होंने कभी भी उस दान का पैसा नहीं लिया, नेवर। कभी हम लोग उनको देने की कोशिश भी करते थे कि नजराने के रूप में, तो वो उसमें से
ऐसे करके एक रुपया उठाते exactly. एक रुपया उठाते थे कि ठीक है तुम्हारे मन के लिए ले रहा हूँ, बट इट हैज नेवर टेकन मनी. जो हमने सीखा उसका हमें पैसा मिला था, हमें स्कॉलरशिप मिली. सोचिए कि हमें सिखाने का भी उन्होंने दान किया, उनकी वजह से हमें स्कॉलरशिप मिली थी. और बहुत दिया, बहुत दिया, बहुत दिया. मतलब आज जो मैं हूँ, आज मैं जहाँ हूँ, वो सिर्फ उन्हीं की वजह से, सिर्फ उनकी वजह से. और आगे भी मतलब वो बहुत खुश होते थे. वो सिर्फ बोलते भी थे कि मैंने तो इतनी सुंदर डांसर बनाई थी, ये तो एक्ट्रेस बन गई, लेकिन अच्छा है तुम एक्टिंग भी अच्छी करते हो, करो. बहुत खुश होते थे. और उनकी उनकी कृपा रही मुझ पे कि जब से मैं बॉम्बे आई हूँ, मेरे पास काम की कभी कभी नहीं रही. बैक टू बैक कुछ न कुछ चलता. और डांस भले ही मैं नहीं कर रही हूँ आज की तारीख में, लेकिन जब भी ऐसा कुछ मौका आया जब मुझे करना पड़ा, जैसे उनके बर्थडेज पे या कभी अचानक से फरमान आ जाता था कि तुम्हें कुछ करना है, तो सच में उनकी इतनी बड़ी कृपा है कि जब भी हुआ, चार पांच दिन के तैयारी में मैं खड़ी हो गई थी. इवन मैंने जो थिएटर आपको देखने गए थे, इतना अच्छा, उसमें भी आपने डांस किया. ऐसा नहीं है कि नहीं करते हो, इतना अच्छा आप करते हो, क्योंकि वो फाउंडेशन अगर बन जाता है ना, तो वो रियाज था ना, हमारा बारह घंटे का रियाज, तो वो अभी भी रंग दिखाता है. हाँ, वो भी थोड़ा इतना टाइम लेता है. और वही है कि नींव मजबूत है. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. तो मैं प्रे करती हूँ कि महाराज जी हमारे साथ रहे, और हम लोगों का भी जो रिश्ता है एक दूसरे के साथ कला के लिए, वो ऐसे ही रहे, और हम सब बहुत खुश रहे, सभी लोग, दुनिया में जितने लोग हैं. बहुत अच्छा लगा. नमस्कार. थैंक यू. किरण.